नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट जी आपका किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे अभी, ठीक है। और ये आपका जो है रिक्रीज पब्लिकेशन का किताब है, पियर्सन केवीएस मैदान का किताब लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम इन्वायरमेंट का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो 351 नंबर क्वेश्चन है, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज मेड बाई, ऑप्शन में भी ह्यूमन इंटरफेरेंस को आपका 352 है, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स, ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 353 है, द रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरनमेंटल एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 इनकरेज पीपल टू, ऑप्शन बी थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल एक्ट लोकल। क्वेश्चन 354 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए वार्निंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी राइज इन सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 355 है, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंबस्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लीनेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 356 है, बर्मी कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डेट इन बोथ, ऑप्शन नंबर डी अर्थवॉर्म्स। क्वेश्चन 357 है, द मेथड विच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर इज, ऑप्शन नंबर सी क्लाउड सीडिंग। क्वेश्चन 358 है, वाइस वुड ग्लोबल वार्मिंग लीड टू एन इंक्रीज इन सी लेवल, ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। क्वेश्चन नंबर 359 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज, मिथेन एंड क्लोरो फ्लोरोकार्बन आर कंसिडर्ड एंड ओजोन। क्वेश्चन 360 है, बाबा आमटे वाज द लीडर ऑफ, ऑप्शन नंबर डी तेहरी डैम मूवमेंट। क्वेश्चन आपका बाबा आमटे तेहरी डैम मूवमेंट। क्वेश्चन आपका 361 है, एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी रिसीव्स वन कार्बन क्रेडिट इफ इट इज एबल टू अवॉइड इमिशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए वन टोन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 362 है, यूजिंग कोल नेचुरल गैस और ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी हीट और ट्रांसपोर्टेशन रिलीजेस CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर, द डेली CO2 इमिशन मेक अप द, ऑप्शन नंबर ए कार्बन फुटप्रिंट। क्वेश्चन 363 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट। क्वेश्चन आपका 364 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कैटेगराइज्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इनटू 8 कैटेगरीज नोन एज रेड लिस्ट सच एज एक्सटिंक्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। क्वेश्चन आपका 365 है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट मे सेट ऑफ अनस्टॉपेबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन टर्म्स, ऑप्शन ए टिपिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 366 है, इन विच ईयर वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड, ऑप्शन नंबर 1997। क्वेश्चन आपका 367 है, द इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेमूर इट्रीज एंड इनहेबिटेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर। 368 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रो इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सुगर केन। 369 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया डिड अनाउंस द नेशनल एक्शन प्लान, इन विच ईयर इंडिया डिड अनाउंस द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी 2008। क्वेश्चन नंबर 370 है, द लोगो ऑफ द WWF इज, ऑप्शन नंबर ए जियान पांडा। 371 है, ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सेटेलाइट और जियो सेट ऑल्सो नोन एस इबुकी वॉज लॉन्च बाई द, ऑप्शन नंबर बी जापान। क्वेश्चन 372 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम ऑफ मैंग्रोव कवर इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आपका 373 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 29। क्वेश्चन 374 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रमोटेड रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 375 नंबर क्वेश्चन, डाक्चीगाम सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए हैंगुल। 376 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द कंट्री, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 377 है, इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगावाट टू गीगावाट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू टारगेट फॉर द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया बाय 2022, ऑप्शन नंबर सी 100 गीगावाट। 378 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC टारगेट्स टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 आर राइट, दो रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी टूवर्ड्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2025 लेवल, टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट
through additional forest and tree cover by 2030. Question of 379, in which of the following years did sustainable development goals set up by the UNDP start for implementation? Option number D, 2015. This was C, which of the following creatures is termed Darwin forest of ocean? Option number C, coral reef. Question number 381, which of the following creatures is responsible for the phenomena of red tide? Option B, algae. Question number 382, permafrost belt is the main region for release of a greenhouse methane gas. In which part of the world is it melting the most? Option number B, Arctic region. So permafrost melt is the main region for release of a greenhouse methane gas. In which part of the world is it melting the most? Option number B, Arctic region. Question number 383, 80% of the crocodiles in the world are found in India. In which of the following states is the number of crocodiles sanctuaries the highest? Option B, Andhra Pradesh. Question 384, launched in 2005, Indian Rhino Vision 2020 is an ambitious effort to attain a wild population of at least 3000 greater one horned rhinos. Which of the following state in India has the maximum number of one horned rhinos? Option B, Assam. 385, in case of fuel, what will be the major difference between BS4 and BS6? Option number A, sulfur. Question 386, which of the following are the region factors for exposure to benzene pollution? Option number is C, 1, 2, 3, 4, 5. So automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using burnished wood furniture and using product made of polyurethane. Question next, 387, which of the following statements are correct in context of emission gap report? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट. तो आपका गैप रिपोर्ट के हिसाब से सब सही है. तो इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 लॉन्च इन दिसंबर 2020 प्रोवाइड्स एन अपडेट ऑफ ग्लोबल इमिशन पाथवेज एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग नेशनल मिटिगेशन प्लेज एंड द पेरिस अग्रीमेंट गोल्स एज वेल एज द रिजल्टिंग इमिशन गैप्स. द रिपोर्ट ऑल्सो एनालिसिस लो कार्बन रिकवरी मेजर्स सो फार समराइजेस द स्केल फॉर स्केल ऑफ न्यू नेट जीरो इमिशन प्लेजेस बाय नेशन एंड लुक्स एट द पोटेंशियल ऑफ द लाइफ स्टाइल एविएशन एंड शिपिंग सेक्टर ऑफ शिपिंग सेक्टर टू ब्राइट द गैप एंड सी आर ऑल्सो राइट. तो इमिशन गैप रिपोर्ट सिग्नल्स द डिफरेंस बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस इमिशन आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030 एंड वेयर देयर शुड बी टू अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. 388 में क्वेश्चन है, द सेंसेशन ऑफ साउंड सच एज रोरिंग हिसिंग और रिंगिंग इन द एबसेंस ऑफ एन एक्सटर्नल साउंड सोर्स इज नोन एज टिनिटस. द सेंसेशन ऑफ साउंड सच एज रोरिंग हिसिंग और रिंगिंग इन द एबसेंस ऑफ एन एक्सटर्नल साउंड सोर्स इज नोन एज टिनिटस. कुछ आपका 389 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो आपका इसमें जो है सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव आर राइट. तो द नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम NBMMP aims at setting up a family type biogas plant for providing biogas as green cooking fuel and source of lightening. Our biogas plant produced the slurry as byproduct in an organic bio manure for enhancing crop yield and maintaining soil health. NBMMP has been installed about 49.6 lakh household size biogas plant since the inception of the national biogas program in the country. 390 question, in which of the following launched an initiative Clean Air Better Life? Option number is A, Niti Aayog and CII. 391, in which of the following year Clean Air Better Life that acknowledges the role of the Indian industry as the one of the factors influencing the quality of air was started? Option number B, 2016. 392, which of the following statements are true in context of India's relationship with sites? So aapka sabhi sahi hai, all of the above are right. Theek hai. तो इंडिया इज अ साइट पार्टी सिंस 1976. इंडिया इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स मेंबर्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम डाइवर्सिटी दैट हार्बर्स अप टू 7 to 8% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्ड्स बाय साइट्स. इंडिया बीइंग अ पार्टी टू साइट पार्टीज एक्टिवली प्रोहिबिट्स द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सच एज एक्सपोर्ट परमिट्स फॉर इम्पोर्ट ETC. 393 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन? UNREDD, ऑल ऑफ द अबव आर राइट. फूड एंड एग्रीकल्चर डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम.
कुछ आपका 394 है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर ई डी डी प्लस टू ऑल ऑफ द अबव आर राइट. कार्बन स्टॉक्स, कॉसेस ऑफ फॉरेन डिग्रेडेशन एंड मेजर कार्बन सिक्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर ई डी डी प्लस. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. आर ई डी डी मतलब होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 395 है. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए यूएन वाटर. 396 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूएन थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2020. ऑप्शन नंबर सी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज. 397 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द हीट वेव. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द वेव आर राइट. तो हीट वेव्स आर रिजल्ट आर द रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर एंड इट इज इफ इट इज ट्रैप्ड ओवर द वन रीजन इट इज अलाउड टू वार्म टू अन कैरेक्टरिस्टिक temperature due to sunlight and the air is often trapped due to high pressure system. The high pressure inhibits winds making them vent to non-existent because the high pressure system also prevents cloud from entering the region. Sunlight can become punishing heating of the system even more. Some 398 which of the following statements are correct regarding E flow norms. So 398 correct answer is option number D, all of the above are right. Environmental flows refer to the minimum flow of water considered necessary for protecting the structure and function of an ecosystem and its dependent species. The E flow norms stipulate the continuous flow of water in a river system. River stream, ये भी सही आपका और तीसरा सही है. And environmental flow is the water provided within a river, wetlands or coastal zone to maintain ecosystem and their benefits where there are competing water usage and where flows are regulated. 399 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन भागीरथी. तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड आर आई ए एंड बी आर राइट. तो मिशन भागीरथ इज टू इंटरलेक भागीरथी रिवर एंड कृष्णा रिवर एंड मिशन भागीरथ इज ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड अंडर द तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. ए मैमोथ 1.30 लाख किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ पाइपलाइन वुड बी लेड टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ तेलंगाना टाउन्स एंड विलेजेस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल नीड्स. कुछ हमारे 400 आखिरी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट लाइव रिडले टर्टल्स. तो आपका कौन सा स्टेटमेंट लाइव रिडले के लिए सही है. तो इसका लिए सही आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट है. ठीक है, तो लाइव रिडले टर्टल्स. तो दिस टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड स्पेसिफिकली पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन. They are best known for their unique mass nesting called Aribada, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs. And the species is listed as vulnerable in the IUCN Red List Appendix 1 in sites and Schedule 1 in Wildlife Protection Act 1972. Live widely, turtles face serious threats across their migratory route, habitat and nesting beaches due to human activities such as unfriendly turtle फिशिंग प्रैक्टिसेस. ये आपका तीनों सही है, चारों सही है. ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है केवीएस मैदान का जितना भी क्वेश्चन था एनवायरनमेंट से हमने कंप्लीट कर लिया. तो आज के लिए बात बताइए, आप लोग का बहुत बहुत